मैं स्टार नाथ खा की तरफ बढ़ूंगा। मेरे जो जज साहिबान हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, हसान बिन खुर्शीद साहब और ताबिंदा आपा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज लड़कों का मुकाबला है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछली दफ़ा भी आप लोग तीन लड़के आगे ले गए, तो थोड़ी सी सख्ती कर लें वरना आगे आप लोग खुद ही फंस जाएंगे। नहीं, वो हमने कैलकुलेट किया है कि अच्छा कितने बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए चाहिए, उसमें अब सख्ती हमें भी करनी पड़ेगी, दो या एक भी हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है, पहले ही जान निकाल दो तुम बच्चों की। बात है कि नील पे कोई नहीं आ रहा एक स्टैंडर्ड की। हाँ, ये भी है, मुझे लास्ट ईयर याद है आप लोग हमने किया था एक दफा ये किया था कि आप तीनों में से किसी को नहीं लेके गए। बल्कि मुझे कल एक हमारे दोस्त ने कॉल की और कॉल करके मुबारकबाद इस हवाले से दी कि लास्ट ईयर से माशाल्लाह बहुत बेहतर कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, बहुत तैयारी के साथ बच्चे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट करें इस चीज़ को माशाल्लाह। वेरी ट्रू। और हमारे साथ आज हसीब कादरी हैं, फैज़याब हुसैन हैं और तंजील इसहाक। ठीक है जी, सो सबसे पहले हसीब कादरी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हसीब कराची से ही ताल्लुक़ है जी, बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा सुभान अल्लाह। भाईजान रात भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, गुड मॉर्निंग जी। आपकी बारी है, ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फैज़याब हुसैन माशाल्लाह। तकदीर ने
उस दौर में लिखा होता। बात सुनता माशाल्लाह माशाल्लाह जी आगे बढ़ेंगे। तंजील इसहाक माशाल्लाह तंजील इसहाक बिस्मिल्लाह भाई। उनकी महक ने दिल के उलझे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं जिस राह दिए हैं मेरे करीब से गए कत सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और तीनों जो हमारे नातखा हैं उन्होंने अपना अपना कलाम पेश किया है। अब फैसला जो है वो हमारे जज साहिबान के बारे में। फैसले से पहले दो बातें करनी है सिर्फ मुझे जी के जो पहला हमारा फैजिया आप था हसीब कादरी सॉरी सेकंड फैजिया आप। जब एक नात और एक अस्थाई पढ़नी होती है एक अंतर है तो बच्चे का जहन देखें कि वो कौन से शेर का इंतखाब करता है। और इन्होंने बहुत अच्छे हाफिज़ मज़हर साहब का कलाम है और इन्होंने जो उसका बेहतरीन शेर था उसको मुंतखब किया और बहुत अच्छी अदायगी की। फैजिया बेटा आप सुर ढूंढ रहे थे, आप मुकाबले में आए थे ना, शुरू भी आपने ऐसे किया, आपको डायरेक्ट पढ़ना चाहिए था ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपका ये सेंस ऑफ रिमेंबर कितना है ना, नेज़ल बहुत हो रहे थे आप।
ठीक है। और जो तीसरे बच्चे हैं हमारे, वो शुरू में बहुत डाउन थे और आप बहुत ज़्यादा हर लफ्ज पे आप जगह ले रहे थे, है ना। बस ये बड़ा सबने अच्छा, वैसे आवाज़ के हिसाब से देखूँ या और चीज़ों के हिसाब से देखूँ, वो सब अच्छा था। हसीब कादरी ने कलाम का इंतखाब तो बहुत अच्छा था, टेम्पो थोड़ा सा स्लो था मेरे हिसाब से। ओके, थोड़ा सा टेम्पो अगर आप बढ़ा देते तो और फील अच्छी आ जाती। और इसके अलावा फैज़याब हुसैन ने, जिस तरह आपा ने भी बताया कि सुर अस्थाई में ही आपका सुर गिर रहा था बार बार, और थोड़ा सा तेज़ भी था, आपने वक्त से पहले ही, मेरे ख्याल में 2.5 मिनट थे आपने फैज़याब, वो उससे भी पहले आपने पढ़ दिया था एक अंतरा एक अस्थाई। और कोशिश जितना गला इजाज़त देता है उतनी जगह कहें ताकि खूबसूरत तरीके से लगे, एक्स्ट्रा करेंगे तो उसमें फिर चांसेस ये होते हैं कि आप गलत कहें, तो इसलिए कोशिश करें कि जितना गला प्रैक्टिस में है उतनी ही जगह कहें। उसके अलावा तंजील इसहाक मालूम किया, उसके बाद अंतरे में आके अपनी पूरी जान दिखाई, तो ये फील अच्छी आई। और मुकाबले का तरीका भी यही है कि आप अंतरे में अपनी ज़्यादा जो मैं मेहनत है वो दिखा सकें। तो नंबर्स के हिसाब से हमारे साथ आगे जो जा रहे हैं, 1, 2 या 3 मैं मशवरा कर लूँ? जी बिल्कुल, आप मशवरा कर लें, आप मशवरा करें, आप रैप अप कर लें तब तक किचन है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं बच्चे जी। और साथ ही मैं अपनी एक रिक्वेस्ट भी कर दूं फैज़ भाई जी, हसान प्लीज एक कलाम आप जरा जरूर सुना दीजिएगा आप जरा एक थोड़ा सा आवाज सुना। अच्छा चलिए जरूर जी। हसान भाई कौन जा रहा है आज 7वें रोजे में? पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपा का और मेरा जो नतीजा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, मुख्तलिफ हो गया, मुख्तलिफ हुआ इस हिसाब से कि जो इनका नंबर वन है वो मेरे पास नंबर वन नहीं था, मेरा नंबर वन अलग था। अच्छा, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो हमारे पास 2 और नात खान हैं जिनसे आप मशावरत कर सकते हैं। नहीं, फैसला तो वो नंबर्स तो माशाल्लाह 2 के, मैंने ये सिर्फ पूछना था। तो 2 आगे जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 1 बच्चा हमारे साथ आगे नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो जो पहले आगे जा रहे हैं वो हैं तंजील इसहाक। ठीक है, तंजील हमारे साथ आगे जा रहे हैं राउंड के लिए। और दूसरे हैं हसीब कादरी। फैज़याब नहीं जा रहे हमारे साथ, फैज़याब हमारे साथ। फैज़याब आई एम सो सॉरी, लेकिन आप तीनों के साथ, ये जो हमारे कोलगेट के आप गिफ्ट हैम्पर्स देख रहे हैं, ये आप तीनों के साथ जाएंगे। और लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं हुआ भाई, सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मज़े मज़े के खाने और खुशबू जो है वो सेट पर घूमती रहती है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, बट चलें जी, इसी का नाम सब्र है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।